चौधरी, अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेस्टर्न रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप में आप लोगों ने अप्लाई किया था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ सारी जानकारी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चलते हैं ये साइट के ऊपर। ये है वेस्टर्न रेलवे सेल, यानी वेस्टर्न रेलवे में जिन्होंने आपने अप्लाई किया था, इसका एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा दूं तो ये आपने एडवर्टाइजमेंट इसका फिल किया होगा उस टाइम पर, ये एडवर्टाइजमेंट आपने फिल किया है यहां पर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्टर्न रेलवे, ये आपने ओपनिंग 10 दिसंबर से चालू हुआ था और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है RRCWR4/2018, ये 8 तारीख को। तो ये इसमें आप लोगों ने अप्लाई किया था, मैंने इसकी वीडियो आप लोगों को दी थी और आप काफी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो इसी का रिजल्ट आ चुका है, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहां आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जा सकते हैं या RRV वेस्टर्न रेलवे की जो साइट है वहां सर्च करके आप देख सकते हैं। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा, जैसे आप यहां देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यह सबसे ऊपर वाला है एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRCWR4/2018 एंगेज अप्रेंटिसशिप, इस आपके लिए सिर्फ ये ऊपर वाला है क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर अप्रेंटिसशिप में अप्लाई किया था, तो ये अप्रेंटिस वाला ये आपके लिए है। तो नोटिफिकेशन आपने पहले से आपके पास डाउनलोड होगा या नहीं होगा जो भी है, तो अगर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। जिनके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड जिनको नहीं करना है वो क्या करेंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग मेरिट नंबर और अलॉटमेंट डिवीजन वर्कशॉप, यानी कौन से कैंडिडेट को कौन सा डिवीजन अलॉट किया गया है और उसका मेरिट कहां बना हुआ है, ये आप यहां से देख सकते हैं। ये आप सेकंड वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो आप सीधे यहां पर टच करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा सामने। इसमें आपको इस तरह से देखो, ये आप यहां पढ़ सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट डिवीजन यूनिट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यहां उसके हिसाब से जो भी है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लिक हियर द ट्रेड नेम, यहां देखो ये मुंबई के लिए था, बड़ौदरा के लिए था, ये डिवीजन दो अहमदाबाद के लिए था, रतलाम के लिए था, राजकोट, तो ये सारे डिवीजन जो थे इनके लिए था। अब यहां आती है बात आपकी, नीचे जाएंगे आपने फिटर, बेल्डर, टंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, जो भी जितनी भी ट्रेड है, जिन जिन ट्रेडों में आप लोगों ने अप्लाई किया है उस ट्रेड की कट ऑफ आप यहां से देख सकते हैं। अनरिजर्व 78.42 पर गई है, SC की कैटेगरी है जो है वो उनकी कट ऑफ 75.46 पर गई है, ST की 75.29, OBC 76.58, तो इस तरह से आप ये यहां पर देख सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे मान के चलो आप फिटर ट्रेड से हैं या फिटर वाले कैंडिडेट हैं, वो क्लिक करेंगे तो उनको अपना नाम इसमें आप देख सकते हैं, सारी लिस्ट यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी और वो अपना नाम देख सकते हैं कौन से डिवीजन में उनको मिला हुआ है और कहां पर उनको जाना है। इस तरह से फिटर वाले अपना यहां से देख सकते हैं। इसी तरह से जो बेल्डर कैंडिडेट है, बेल्डर वाले पे यहां बेल्डर पे जो ब्लू कलर में बेल्डर लिखा हुआ है यहां पर क्लिक करेंगे तो बेल्डर वाले की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, तो यहां पर वो अपना रोल नंबर वाइज, कैटेगरी वाइज, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और किस कास्ट से हैं, एक्स सर्विसमैन, एवरेज उनकी परसेंटेज क्या है, एलो डिवीजन उन्हें कौन सा मिला हुआ है, वो यहां से आप देख सकते हैं। डेट ऑफ ये आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप लोग इसे। तो टर्नर वाले हैं तो जैसे ही टर्नर वाले क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर में जो टर्नर लिखा हुआ है वहां क्लिक करेंगे तो उनका ये सब यहां से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ये सब देख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं आगे, तो ये तो हो गया ये वाली बात। अब आगे आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन,
आप इसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट को है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना है, यहां पर क्लिक करना है। यहां जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इस तरह का इंटरफेस सामने आने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां डाल के सबमिट करेंगे तो आपका जो आपका वेरिफिकेशन कॉल लेटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो यहां पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे, उसमें डेट क्लियर होगा और एड्रेस क्लियर होगा, किस जगह आपको जाना है, कौन सा डिवीजन आपको है, तो उसके हिसाब से आपको जिस डेट को वेरिफिकेशन आपका है उस डेट को आपको वहां पहुंचना है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, इसमें कुछ ये क्लिक हियर टू डाउनलोड इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो आप यहां से क्लिक करके पढ़ लेंगे। आप ये चौथी लाइन पर क्लिक करें तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहां पर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर इसके रिगार्डिंग है ये, जैसे मैं आपको दो चार लाइन बता दूं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद टू सेट्स फोटोकॉपीज, ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, उसके साथ साथ दो फोटोकॉपी के सेट लेके जाने जो आपके सेल्फ अटेस्टेड किए हुए हों। एक प्रिंट आउट लेके जाना है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको लेके जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसपे हाई स्कूल की मार्कशीट से ये क्लियर हो जाएगा। कंसोलिडेटेड आईटीआई की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट जो आती है पहले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की अलग अलग थी, लेकिन उसकी एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आती है जो दोनों सेमेस्टरों की कंबाइंड होती है या चारों सेमेस्टरों की कंबाइंड होती है, तो आपको वो मार्कशीट यहां पर लेके जानी है। और उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बाय एनसीबीटी, प्रोविजनल नेशनल सर्टिफिकेट बाय एनसीबीटी एससीबीटी। अगर आप इसी बार पास आउट हुए हैं और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आया है तो आप वहां से कॉलेज से ले सकते हैं, तो वो आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो, और जो एक्स सर्विसमैन है वो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो डिसेबिलिटी में अपना पीएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो जो जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जिस तरह से अप्लाई किया है वो सारे चीज आपको लेके जाना है। फॉर आइडेंटिफाई आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर स्कैन फोटो इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में स्कैन करके आपको आपने फोटोग्राफ लगाया था वही फोटोग्राफ आपको अलग से लेके जाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख लेंगे, अपनी आईडी के साथ जाएं, आधार कार्ड वोटर आईडी पासपोर्ट जो भी है इसके साथ जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर वेल टाइम वैलिड डॉक्यूमेंट आस्क फॉर, ये सबसे मतलब पहले ही पहुंचना है आपको, थोड़ा आधा पौन घंटा पहले पहुंचे जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो इस तरह से ये आप सारे इंस्ट्रक्शन यहां से पढ़ लेंगे, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ आगे वीडियो खत्म करने से पहले आपके बताना चाहूंगा, जो कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ एक बार रिप्लाई करके कमेंट करके जरूर बता देना कि सर मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।